नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। दिन भर की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दे एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल, और लजीज व्यंजन का स्वाद लेना हो तो चंदूरी रोड स्थित करी एंड कबाब। सड़क हादसे में QRT का पुलिस जवान हुआ गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में इलाज के बाद किया गया धनबाद रेफर। कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे सदर अस्पताल, लिया जवान की स्थिति का जायजा। जिलगा में दो बाइक के बीच हुई टक्कर में जवान हुआ घायल। नगर निगम कार्यालय में स्मिता कुमारी ने उपनगर आयुक्त के रूप में संभाला पदभार। निगम कर्मचारियों और वार्ड पार्षदों ने किया स्वागत। नए उपनगर आयुक्त ने कहा, शहर की समस्याएं दूर करना होगी पहली प्राथमिकता। ईस्ट जोन पिकल बॉल चैंपियनशिप की तैयारी जोरों पर। 13 और 14 अप्रैल को BNS DAV परिसर में चलेगा घमासान। कई राज्यों की टीमें लेंगी हिस्सा। और नवरात्र की महाअष्टमी पर विभिन्न दुर्गा पूजा स्थलों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। महागौरी की पूजा में लीन दिखे श्रद्धालु, भगवती का हुआ श्रृंगार पूजन। मुफस्सिल थाना इलाके के चिलगा में शनिवार को दो बाइक के बीच हुई आपसी टक्कर में गिरिडीह पुलिस लाइन में पदस्थापित QRT का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में घायल जवान को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जवान की स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। बताया गया कि घायल जवान दुमका जिले के नोनिहात का रहने वाला संतोष मांझी है। संतोष ड्यूटी के लिए अपनी बाइक से चिलगा जा रहा था। इसी दौरान अचानक एक अनियंत्रित बाइक ने संतोष के बाइक को ठोकर मार दी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद SDPO अनिल कुमार सिंह, सर्जेंट मेजर राजेश कुमार रंजन, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और घायल जवान का हाल जाना। इधर घटना में दूसरा बाइक चालक भी घायल हो गया, जिसका पुलिस के देखरेख में सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। संतोष कुमार मांझी जो गिरिडीह जिला बल के जवान हैं, वो QRT में प्रमुख थे। वे आज विधि व्यवस्था ड्यूटी में निकले थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ड्यूटी के साथ आया और यहाँ सामने से टक्कर मार दिया, जिससे अभी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। उनका जो चेहरे में चोट लगा है, लाभ के लिए है। इलाज चला सदर हॉस्पिटल में, बेटर इलाज के लिए धन्यवाद हॉस्पिटल में। इंजीनियरिंग या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को JEE मेंस, JEE एडवांस, नीट, 11-12 के लिए फिजिक्स का बेस मजबूत करना हो तो ज्वाइन करें बिगिनर्स क्लासेस। BIT सिंदरी से BTEC की डिग्री हासिल कर और वेदांतु के फैकल्टी रह चुके इंजीनियर सोनू कुमार ने सिरसिया के पटेल चौक में बिगिनर्स क्लासेस की शुरुआत की है। साथ ही यहाँ 9th और 10th क्लास के छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया जाता है, तो देर किस बात की। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। हमारा पता पटेल चौक, बद्री होटल के निकट, सिरसिया, गिरिडीह। नगर निगम कार्यालय में शनिवार को नए उपनगर आयुक्त के रूप में स्मिता कुमारी ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान निगम कर्मचारियों और वार्ड पार्षदों के द्वारा बुके देकर इनका स्वागत किया गया। वहीं पद ग्रहण करते हुए उपनगर आयुक्त ने बताया कि शहर की समस्याओं को दूर करना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। शहर में साफ सफाई, पानी की व्यवस्था दुरुस्त करना, शहर की जाम की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने का
इनका पूरा प्रयास रहेगा। वहीं मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर सुमित घोष, जेई सोमा कुमारी, प्रदीप सिन्हा आदि ने कहा कि नए उपनगर आयुक्त को नगर की समस्याओं से अवगत कराते हुए समस्याओं की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया है। उपनगर आयुक्त ने वार्ड पार्षदों को भरोसा दिलाते हुए समस्याओं का निष्पादन करने का आश्वासन दिया। इधर वार्ड पार्षदों के द्वारा नई उपनगर आयुक्त को शुभकामना भी दिया गया। मौके पर सुमित कुमार, अशोक राम, सैफ अली गुड्डू, बुलंद अख्तर, पार्षद प्रतिनिधि अनिल राम समेत कई पार्षदगण मौजूद थे। ये जो चुनौतियाँ आपने बताई हैं उसको तो मुझे भी समझना होगा कि ये चुनौती को हम कैसे पार करेंगे। प्राथमिकता तो रहेगी कि जैसा हमारा फीडबैक मिला है कि हमारा कुछ वेंडर्स के लिए मार्केट बन गए हैं, उनको शिफ्ट कराना तो वो हमारा चुनौती है। तो वो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको हम लोग शिफ्ट कर दें तरीके से, ताकि जो समस्या जो रोड जाम की है वो भी उससे कम हो पाएगा। और दूसरा है कि जो भी पुरानी स्कीमें चल रही हैं उसको तय समय सीमा पे पूर्ण कराना, और सीमित संसाधन में जो भी सरकार की प्राथमिकता उसको आम नागरिक के बीच धरातल पर उतारना, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नव निर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोर्ट रोड, गिरिडीह। सीओडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक, प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पवित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में सीओडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम दुधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED TV, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरियंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किलोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। ईस्ट जोन पिकल बॉल चैंपियनशिप की तैयारी सिरसिया के BNS DAV विद्यालय परिसर में जोर शोर से चल रही है। शनिवार को भी प्रैक्टिस करते हुए खिलाड़ियों का उत्साह पूरे चरम पर दिखा। बताया गया कि 13 और 14 अप्रैल को ईस्ट जोन चैंपियनशिप BNS DAV परिसर में होने जा रहा है, जिसमें पूर्वी क्षेत्र के सिक्किम, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की टीमें हिस्सा लेगी। इस बाबत झारखंड की पिकल बॉल एसोसिएशन के सचिव प्रभात कुमार ने बताया कि टूर्नामेंट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और खिलाड़ियों का उत्साह पूरे उफान पर है। निश्चित रूप से यह चैंपियनशिप काफ़ी रोमांचक होने वाला है। इस टूर्नामेंट की तैयारियों में अध्यक्ष राजेश जलान, सचिव प्रभात कुमार, उपाध्यक्ष रोहित कुमार, सह सचिव बी सुधीर,
कोषाध्यक्ष ब्रह्मदेव बर्नवाल, मीडिया प्रभारी अभिषेक सहाय, गिरिडीह पिकलबॉल जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, सचिव विकास सिन्हा डॉक्टर राजेश चंद्र, राजेश सिन्हा, देवराज आनंद, अमित गुप्ता, हिमांशु सिन्हा, राजू सिंह, नितेश नंदन, संतोष शर्मा, राजीव सिन्हा, प्रणव, नगीना बर्नवाल, अमित तूरी आदि लगे हुए हैं। पिकल बॉल एसोसिएशन के द्वारा गिरिडीह में फर्स्ट ईस्ट जोन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये 13-14 अप्रैल को BNSDAV के सिरसिया प्रांगण में होना निश्चित हुआ है, जिसमें विभिन्न राज्यों से लगभग 100 प्रतिभागियों का यहाँ आना निश्चित हुआ है। छत्तीसगढ़, सिक्किम, बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों से भी यहाँ पर खिलाड़ियों का आगमन होगा और गिरिडीह वासियों के लिए यह हर्ष की बात है कि अन्य राज्यों से यहाँ पर काफ़ी कम खिलाड़ियों का आना होता है और यह हर्ष की बात है। और हम आमंत्रित करते हैं गिरिडीह वासियों को कि इस खेल का BNSDAV सिरसिया में आकर आनंद लें, उसे देखकर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करें और इस गेम को देखें। और ये नया गेम है, काफ़ी अच्छा गेम है, इस गेम को देखकर सीखें और बच्चों को इसको खेलने के लिए प्रेरणा दें। धन्यवाद। चैत्र दुर्गा पूजा के 8वें दिन शनिवार को महागौरी पूजन को लेकर बरगंडा समेत शहर के विभिन्न पूजा पंडालों और मंदिरों में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। शहर के चैताली दुर्गा मंडप, छोटके दुर्गा मंडप, बरगंडा स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंडप समेत चैत्र दुर्गा पूजा हो रहे अन्य मंदिरों व पंडालों में माँ भगवती के अष्टम रूप महागौरी की पूजा अर्चना की गई। तमाम मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बताया गया कि 2 अप्रैल से शुरू हुए बसंती नवरात्र प्रत्येक दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जा रहा है। आज मां के 8वें रूप की पूजा की गई। इसके अलावा विभिन्न मंदिरों में मां भगवती का श्रृंगार पूजन भी किया गया। 2 साल के बाद पुनः एक बार आस्था का जनसैलाब विभिन्न पूजन स्थलों पर नजर आए। COVID-19 को लेकर इतनी भीड़ नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बार COVID-19 में कमी के बाद एक बार पुनः भव्य रूप से पूजा देखने को मिला। शहर के कई मंदिरों व पूजा स्थलों पर पुलिस प्रशासन की ओर से महिला एवं पुरुष दोनों तरह के जवानों की तैनाती की गई है। प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE Board से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में highly qualified and professional teachers, top quality education, very cool environment, modern science lab, computer classes, rich library, coding classes with white hat junior, Apple education program, robotic classes, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, youth playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A मोतीलेदा गिरिडीह। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं JNM कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहां हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनिता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। सिरसिया के BNS DAV पब्लिक स्कूल में शनिवार को रामनवमी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा दूसरी तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने पवित्र ग्रंथ रामायण के पसंदीदा चरित्रों जैसी वेशभूषा एवं परिधान को धारण कर उनके जीवन से संबंधित लघु कथा, भजन, गीत, श्लोक उच्चारण, हनुमान चालीसा पाठ जैसी तमाम गतिविधियों का मनमोहक प्रदर्शन किया। छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय पात्र भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव, अंगद, हनुमान के रूप में सामने आए, जिन्हें इन्होंने विभिन्न गुणों के रूप में मूर्तिमान किया, जिसमें भक्ति, निष्ठा, साहस, विश्वास, निस्वार्थता, व्यवहारिकता आदि शामिल रहा। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श को आज की युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक मानते हुए कहा कि रामनवमी महोत्सव के माध्यम से छात्र छात्राओं ने जहाँ एक ओर प्राचीन ग्रंथ रामायण व रामचरित मानस में बताए गए भारतीय मूल्यों को दर्शाने का प्रयास किया, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान समय में हमारी परंपराओं के आदर्श, सिद्धांत, आचार विचार की प्रासंगिकता को सिद्ध किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षकों, विद्यार्थियों का सराहनीय योगदान रहा। No!
डीसी ऑफिस सभागार में शनिवार को उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा की अध्यक्षता में रामनवमी पर्व को लेकर एक बैठक की गई। यहां विधि व्यवस्था संधारण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले के वरीय पदाधिकारियों एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों दंडाधिकारियों व कर्मियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की गई। बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता आईएएस प्रशिक्षु डीआरडीए निदेशक अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिला नजारत उप समाहर्ता जिला स्तरीय पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था संधारण हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष गिरिडीह जिला अंतर्गत रामनवमी पर्व 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। रामनवमी की मुख्य शोभा यात्रा जुलूस एवं विभिन्न अखाड़ों द्वारा झांकियां निकाली जाएगी। रामनवमी पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। बैठक में इन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों व थाना प्रभारियों को भ्रमणशील रहकर अपने अपने सूचना तंत्र को सक्रिय रखने का निर्देश दिया। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने भंडारीडीह व चैताडीह में शनिवार को कई लोगों को सरकारी लाभ का पत्र उपलब्ध करवाया। यहां जरूरतमंद लोगों को भाजपा नगर संयोजक समीर दीप, भाजपा नगर मंत्री ज्योति शर्मा, भाजपा एससी मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित पासवान आदि ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास आदि से संबंधित कागजात बनवा कर दिए, जिससे जरूरतमंद लोग बेहद खुश नजर आए। बताया गया कि प्रोफेसर विनीता और उनके टीम के द्वारा लगातार विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाकर जरूरतमंद महिलाओं बुजुर्गों की समस्याओं को सुनना एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित पेपर बनवाकर उन तक लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बताया गया कि इनका प्रयास है कि ये उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। मौके पर जागो बढ़ी, अशोक बढ़ी, कालीराम, रतनराम, शंकर बढ़ी, प्रमिला देवी, उर्मिला देवी, पुष्पा देवी आदि लोगों को वृद्धा एवं विधवा पेंशन का लाभ मिला। अभी गिरिडीह के हर एक वार्डों में जो सरकार की योजनाएं हैं उसको लेकर हम लोगों ने जनसंपर्क अभियान चलाया है और उस अभियान के तहत अभी सारे इलाकों में अभी हम लोगों ने देखा है कि वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, आवास की सुविधा हो, तो इसके लिए बहुत जो सारे लोग हैं वो उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने वार्ड संख्या 20 में लगभग यहाँ पे 10 लोगों का काम अभी हम लोगों ने करवाया है और आगे भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो जरूरतमंद लोग हैं जिनका काम नहीं हो पा रहा है, जिन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे लोगों तक हम लोग इस योजनाओं का लाभ पहुँचाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक तक नहीं जा सकते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो हमेशा हम लोगों का निरंतर प्रयास रहेगा। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches? Or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Siam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR cable. Hamara pata, Samanta Garage ke nikat, Bakshiri Road, Giridi. भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीवाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है, जहाँ आपके पसंद की शर्टिंग शूटिंग साड़ियाँ, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जींस वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियाँ भी मौजूद है। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह।
इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा बढ़ती गर्मी को देखते हुए बरगंडा रोड समेत दो स्थानों पर शनिवार को प्याऊ लगाया गया। बताया गया कि शहर में 11 स्थानों पर प्याऊ बनवाने का संकल्प मेंबर्स द्वारा लिया गया था, जिसका शुभारंभ आज अष्टमी के शुभ दिन पर दो प्याऊ का उद्घाटन रोटरी प्रेसिडेंट संतोष कुमार अग्रवाल द्वारा करवाया गया। इनमें से एक प्याऊ क्लब के सेक्रेटरी बरगंडा रोड निवासी सुमन गौरी सरिया के घर के बाहर और दूसरा प्याऊ मेंबर उषा केडिया के घर के बाहर बनवाया गया। बताया गया कि यहां पर पानी के साथ साथ लोगों के लिए चना, गुड़, खीरा, ककड़ी आदि की व्यवस्था भी की गई है, ताकि लोगों को यहाँ ठंडे पानी के साथ साथ ये सब भी मिल सके। यहाँ मौके पर रेटोरियन संतोष कुमार अग्रवाल, रोटेरियन डॉक्टर आर केडिया, विकास बगेड़िया, विकास बसरीवाला, एलपी गौरी सरिया, क्लब के संस्थापिका पीडीसी पूनम सहाय, सेक्रेटरी सुमन गौरी सरिया, आईएसओ कविता राजगढ़िया, ट्रेजरर बेला जलान, सुनीता शर्मा, स्मृति आनंद, संगीता अग्रवाल, उषा केडिया मौजूद। में बढ़ती हुई गर्मी को ध्यान में रखते हुए हमारे क्लब इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन ने कल ही एक प्रण लिया कि हम लोग शहर में 11 जगह प्याऊ लगाएंगे, जहां पानी, फल और चना, गुड़ की व्यवस्था रहेगी, जिसकी शुरुआत आज अष्टमी के दिन, आज बहुत शुभ दिन है अष्टमी के दिन, हम लोगों ने दो जगह करी है। एक हमारे क्लब की सेक्रेटरी सुमन गौरी सरिया के घर के बाहर और एक हमारी मेंबर उषा केडिया, डॉक्टर केडिया की क्लिनिक के बाहर हम लोग ने आज दो प्याऊ स्थापित किया है और 3 दिन के बाद हम लोग फिर से बाकी 9 जगह हम लोग प्याऊ लगाएंगे। और जिससे कि हमारी कोशिश है कि शहर में जितने भी राहगीर बाहर से आते हैं, चाहे कोर्ट हो चाहे हॉस्पिटल हो, उन लोगों को पानी की सुविधा मिल सके। गिरिडीह सनशाइन के द्वारा आज यहाँ पे प्याऊ का इंतजाम किया गया है। वक्त के नज़ाकत को देखते हुए सूरज भगवान, जैसे इनका क्लब है सनशाइन, उसी तरह सनशाइन की तरह सन एकदम जबरदस्त शाइन कर रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर प्याऊ का इंतजाम किया गया है। जो भी आदमी जिनको राहगीर को खासकर, चूँकि डॉक्टर साहब का, डॉक्टर रामरतन केडिया जी का यहाँ पर क्लिनिक है, पूरे जिला से यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, बच्चे लोग आते हैं दिखाने के लिए, तो उनको पानी की सबसे नीडी, मतलब सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आज के डेट में, आज का समय को देखते हुए। तो उन्होंने यहाँ पर सनशाइन ने, इनरव्हील क्लब सनशाइन ने यहाँ पर पीआईयू का इंतजाम किया है, जिससे कि लोगों को काफ़ी सुविधा हो। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडल साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा गिरिडीह। Admissions are going on for the session 2022-23. For classes nursery to 9, only few seats are available for nursery. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address, DNSDAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. Registrations are open for class 11 for Science, Arts and Commerce stream. From 10th of April to 20th of April 2022, seats are vacant for a limited period of time. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address, DNSDAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. गांवा प्रखंड स्थित पेहरा में डीएसपी सुमन गिनी नाग के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। इन्होंने सभी पूजन स्थलों,
व भ्रमण मार्ग का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूजा समिति के सदस्यों एवं प्रबुद्ध लोगों से मिलकर इन्होंने त्योहार को शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पिंटू कुमार, ग्राम प्रधान शब्दर अली, आनंदी प्रसाद यादव समेत दर्जनों पुलिस के जवान शामिल थे। रामनवमी के अवसर पर यहाँ लोग फ्लैग मार्च करने के लायक हैं। इंस्पेक्टर साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, सारे अफसर और फोर्स आए हुए हैं। पीरा बाजार से लेके हम लोग आगे तक फ्लैग मार्च करने वाले हैं। डुमरी अनुमंडल कार्यालय सभागार में शनिवार को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, अधीनस्थ अधिकारियों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों व कर्मियों के साथ एसडीएम प्रेमलता मुर्मू की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में सरकार द्वारा 5 अप्रैल से 4 मई तक चलाए जा रहे बैक टू स्कूल कैंपेन कार्यक्रम को अनुमंडल क्षेत्र में 100% क्रियान्वित करने एवं 22 अप्रैल को डुमरी के भी उच्च विद्यालय के मैदान में एवं पीरटाण में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य मेला की सफलता व उसकी तैयारियों पर बिंदुवार चर्चा की गई। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग करने की अपील की गई, ताकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 30 दिवसीय कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है उसे मुकाम तक पहुँचाया जा सके। एसडीएम ने कहा कि कोरोना के बाद जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया या फिर विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वैसे बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ना है। साथ ही दिव्यांग बच्चों को भी विशेष रूप से स्कूल में दाखिला दिलाना है। एसडीएम ने क्षेत्र के ग्रामीणों से आयोजित होने वाले स्वास्थ्य मेला का लाभ लेने की अपील की है। बैठक में कार्यकारी जीप अध्यक्ष राकेश महतो, प्रमुख यशोदा देवी, विश्वोत्तरी अध्यक्ष डिगलाल महतो, अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि छक्कन महतो, जीप सदस्य दिनेश महतो, बीडीओ सोमनाथ बंकिरा, शिक्षा मंत्री प्रतिनिधि राजकुमार पांडे, सीओ धनंजय गुप्ता, बीडीओ पीटार दिनेश कुमार, पीटार सीओ विनय प्रकाश तिग्गा, रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। हम लोगों ने अनुमंडल स्तरीय में सभी जनप्रतिनिधि, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सीआरपी, वीआरपी, उनके साथ ये बैठक की गई और प्लानिंग की गई कि दोबारा जो स्कूल छोड़े हुए बच्चे हैं उसको लाना है। उसके तहत जो सरकार का थीम है स्कूल रूअर बैक टू स्कूल कैंपेन, इसके तहत जो कार्यक्रम चलाए जाना है, इसके तहत सभी जनप्रतिनिधि को कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी गई और ये सभी का प्रयास रहेगा कि जो भी बच्चे क्षेत्र में छूटे हुए हैं या विद्यालय को छोड़े हैं या प्रवासी बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको जोड़ने का काम करेंगे। ये अभी से लेकर के 5 तारीख से प्रारंभ हुआ है, ये 4/5/2022 तक चलेगा। मंडलीय स्तरीय बैठक में हम लोग सभी जनप्रतिनिधि के साथ 22 तारीख को जो मेला, स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाना है दोनों प्रखंडों में, उसके संबंध में भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य मेला हमारा कैसे सुचारू रूप से चले, ग्रामीणों को कैसे हम लोग जमा कर पाए, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ इस पर चर्चा हुई। लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदत्त चुंगलों समेत 4 बड़े तालाबों का जीर्णोद्धार के लिए शनिवार को शिलान्यास विधायक सदिव्य कुमार सोनू के हाथों किया गया। इस क्रम में चुंगलो तालाब के जीर्णोद्धार की लागत 1,05,00,000 रुपए बताई गई। वहीं ग्राम बरदेही तालाब जीर्णोद्धार की लागत 61,00,000 रुपए, ग्राम जमुआ तालाब जीर्णोद्धार की लागत 45,00,000 रुपए और ग्राम खुखरा तालाब जीर्णोद्धार की लागत 78,00,000 रुपए निर्गत की गई है। बताया गया कि इन तालाबों के बनने से गिरिडीह प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तथा पीरटाण प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सैकड़ों एकड़ जमीन सिंचित होगी। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कृषि ही जीविका की एकमात्र साधन है। विधायक ने इन तालाबों के जीर्णोद्धार को कृषि को मजबूत करने की दिशा में एक सार्थक कदम बताया है। मौके पर लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर कुमार, कनीय अभियंता कमलेश पासवान, राजीव कुमार समेत झामुमो के प्रधान मुर्मू, गोपाल शर्मा, चेतन सोरेन, राजू तुरी, दिलीप रजक, प्रदोष कुमार, युवराज महतो के साथ स्थानीय झामुमो कार्यकर्तागण और ग्रामीण मौजूद थे। स्वस्तिना इंद्रो बृहत्प्रवाहः स्वस्तिनः पूषा विश्वदेवा स्वस्तिनास्तारक्षो यरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो बृहत्प्रतिदधात् वाञ्छावारुणिरतिः नमः।
मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन चाइनीज तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहां जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने मकतपुर बरगंडा रोड गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयां यहां उपलब्ध है। साथ ही यहां कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ए के श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं। और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित ओपन माइंड स्कूल में 17 अप्रैल 2022 रविवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 9 तक के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 16 अप्रैल है। 80% मार्क्स लाने वाले छात्रों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। प्ले ग्रुप में बिल्कुल फ्री एडमिशन दी जाएगी। साथ ही 11th में नामांकन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की जा रही है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स अप टू स्टैंडर्ड 12। जल्द रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल ऑफिस या सिटी ऑफिस में संपर्क करें। अवर एड्रेस नियर टाउन थाना धरियाडी गिरिडीह एंड सिटी ऑफिस अपोजिट कैथोलिक चर्च, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्हे दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संपत्त इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा गिरिडीह। आप अपने करियर को दें एक नई उड़ान। जी हाँ, कोलकाता के दक्षिण दरी रोड में स्थित होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज आरसीपी एजुकेशन में नामांकन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेज करवाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ट्रस्ट और भारत सेवक समाज द्वारा संचालित इस ISO सर्टिफाइड कॉलेज में वेरी प्रोफेशनल फैकल्टी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। यू कैन गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। भारत के नामी गिरामी होटल इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करते हैं। आरसीपी एजुकेशन में अपना नामांकन करवाएं और पाएं शानदार करियर। हमारा पता 17/36 दक्षिण दरी रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। जिला प्रशासन से आक्रोशित किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को 33वें दिन भी अंबेडकर चौक पर जारी रहा। यहां किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि हम किसानों को इस आंदोलन में कई राजनेताओं ने अवश्य समर्थन किया, पर जब जिला प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं किया गया तो कई नेता उदासीन हो गए और किसानों का साथ छोड़ दिया, लेकिन मंत्री अन्नपूर्णा देवी आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है, जिससे किसानों का उत्साह पूरे चरम पर है। अब तक इनकी मांगे नहीं मानी गई और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी इनका आंदोलन जारी रहेगा। मंच के पदाधिकारी अजीत कुमार सिन्हा समेत कई किसान इस दौरान मौजूद थे।
किसान मंच के लोग आज 33वें दिन अनिश्चितकालीन धरना पर है। हमारा मांग है कि बगैर घूस का रजिस्टर 2 और खतियान का नकल दो। जिला प्रशासन इतना निर्लज, इतना बेशरम हो गया। पूर्णा देवी जी चौथा पांचवा बार ट्वीट करके गिरिडीह डीसी को आगाह की है, चेतावनी दी है कि आप जो है नागरिकों का काम करें, नहीं तो न हम पीछे जाने वाले हैं न किसान पीछे जाने वाला है। अब हम लोग इसके साथ साथ मंगलवार को जनरल बॉडी का बैठक बुलाया जाएगा और उसमें हम लोग न्यायालय जाने पर भी विचार करेंगे। अभी कुछ चर्चा हो रहा है कि PIL हम लोग दायर करें, हम लोग मंगलवार को। और साथी, आज किसान मंच का 33वां दिन है और माननीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी जिस तरीके से सामने आकर एक खुली चुनौती राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी को दिया है और गिरिडीह के DC को दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि DC साहब अब इस पे कुछ निर्णय लेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो पूरी तरीके से अपने चरम सीमा पर है। और मैं निवेदन करता हूं अधिकारियों से कि अब आप होश में आ जाइए, वरना आप लोगों पर एक कड़ी कार्रवाई होगी और आप लोग कहीं शकल दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ना इस झारखंड में ना इस भारत प्रदेश में। विजय सिंह, जमुआ अंचल ढाकेचाड़ मोर्चा का एक गरीब किसान हूँ। आज किसान का 33वां दिन धरना है, ये बहुत दुखद बात है, जो कि किसान 33वें दिन दो पर्व त्योहार क्रॉस करने के बावजूद भी अडिग हैं और जिला प्रशासन दोनों नींद से पूरा एकदम मस्त होकर सोए हुए हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है कि भाई इतने लंबा दिन किसान का धरना, गिरिडीह जिला का एक इतिहास है और इतिहास होने के साथ साथ ये पद की समझ में नहीं आ रहा है। पद पर बैठ जाने से सब अफसर लोग अपनी बात की जागीर समझ लेते हैं क्या? ये तो हकीकत, नागरिक के काम करने के लिए उनको पद दिया गया है, अपनी बात की जागीर समझने के लिए नहीं। और वे अभी भी होश में आ जाए, वो केंद्रीय मंत्री हमारे अन्नपूर्णा देवी माननीय कोटरमा के सांसद खुल के वो सपोर्ट कर रही है और हमारे जिला मालिक को वो खुद एकदम खुलेआम आदेश दिए कि या तो किसानों से आरोप प्राप्ताय करें या नहीं तो फिर सबको अपनी उनकी मांगों को पूरा करें, और नहीं करने से उनकी खैर नहीं है और किसान इतना कमजोर नहीं है। ये क्यों नहीं अफसर समझ रहे कि किसानी का बेटा ज्यादातर आपको बॉर्डर पर रक्षा करने वाले सैनिक मिलेंगे और किसान का ही बेटा, आप अगर किसान के बेटा हैं अफसर तो आप समझिए इस बात को, आप जानते होंगे, इसको झूठलाइए नहीं। और नहीं तो किसान का भी बेटा अफसर है, सब अपने एक दूसरे के देख रहे हैं। पद की गरिमा को मलिनता करने के लिए आपको पद नहीं दिया गया है, आपको पद की गरिमा को रखते हुए नागरिकों का और किसानों का सेवा। भंडारीडीह रोड के रोटरियाई हॉस्पिटल में शनिवार को एक डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह SDO विशालदीप खलको के हाथों फीता काटकर क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। बताया गया कि डॉक्टर आदित्य राजगढ़िया के देखरेख में इस क्लिनिक का संचालन किया जाएगा। मौके पर क्लब के सरदार नरेंद्र सिंह, शिव प्रकाश बगेड़िया, राजेंद्र बगेड़िया, डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया, प्रकाश सहाय, पूनम सहाय, तारकनाथ देव, त्रिलोचन कौर, भूपेंद्र सिंह, संतोष अग्रवाल आदि लोग उपस्थित थे। एक्टिविटीज को भी प्रोलिफरेट किया है और उसको बढ़ावा दिया है। एंड आई
विश द इंस्टीट्यूशन ऑल द वेरी बेस्ट। कल रामनवमी भी है और आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि विधि व्यवस्था के संदर्भ में भी सारी मुकम्मल तैयारियां की गई हैं और मैं सभी आम नागरिकों से गिनती से अपील करना चाहूँगा कि विद इन दी परव्यू ऑफ लॉ सारी एक्टिविटीज़ को अंजाम दें और पूरे प्रशासन की ओर से सरकार की चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सड़क हादसे में क्यूआरटी का पुलिस जवान हुआ गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में इलाज के बाद किया गया धनबाद रेफर, कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे सदर अस्पताल, लिया जवान की स्थिति का जायजा। चिलगा में दो बाइक के बीच हुई टक्कर में जवान हुआ घायल। नगर निगम कार्यालय में स्मिता कुमारी ने उपनगर आयुक्त के रूप में संभाला पदभार, निगम कर्मचारियों और वार्ड पार्षदों ने किया स्वागत। नए उपनगर आयुक्त ने कहा, शहर की समस्याएं दूर करना होगी पहली प्राथमिकता। ईस्ट जोन पिकल बॉल चैंपियनशिप की तैयारी जोरों पर, 13 और 14 अप्रैल को BNSDAV परिसर में चलेगा घमासान, कई राज्यों की टीमें लेंगी हिस्सा। और नवरात्र की महाअष्टमी पर विभिन्न दुर्गा पूजा स्थलों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, महागौरी की पूजा में लीन दिखे श्रद्धालु, भगवती का हुआ श्रृंगार पूजन। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।